Hello everyone, I, Assistant Professor Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management, ST College Ambala, can welcome you to the series of UGC NET in Commerce and Management. And I am delivering the lectures on the marketing management, and today I am going to teach you about the different marketing trends. तो पहले देखते हैं कि इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अनदर वर्ड फॉर कंप्लीट सेगमेंटेशन. तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्रो मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, मास मार्केटिंग. तो इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, इसका आंसर आई होप कि आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर मिल जाएगा, ठीक है. हम देखेंगे, अभी मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद ही मुझे इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तब आप इसको इसका आंसर आराम से दे पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है ये. 2018 जुलाई के पेपर में पूछा गया था, When a company treats each single customer as a separate segment, this is called. ठीक है, ये पूछा गया है, जब एक कंपनी हर एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल सेगमेंट मानती है तो उसको किस टाइप की मार्केटिंग कहते हैं. सो वी हैव द ऑप्शन निश मार्केटिंग, नैनो मार्केटिंग, सिंगल मार्केटिंग, माइक्रो मार्केटिंग. अगेन इसका आंसर भी आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. हम क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ दे रखे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमारा सही ऑप्शन क्या होगा. सो हियर वी आर. फर्स्ट वन इज सिंगल मार्केटिंग. सो सिंगल मार्केटिंग इज कंपनीज यूजिंग सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी फोकस जस्ट ऑन वन सेगमेंट विद इन द मार्केट. सो एंड द अदर सेगमेंट कैन बी डिफाइंड ज्योग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली. तो यहाँ बोला गया सिंगल मार्केटिंग वो मार्केटिंग हुई जब हमारे पास पूरा मार्केट है, मार्केट में से वी आर फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, ओनली वन पर्टिकुलर सेगमेंट. And this segment may be we choosed on the behalf of geographical locations or may be on the behalf of demographical. For example, यहाँ example दे रखा है. For instance, a local brew pub would be example of brewers targeting a single geographically defined market segment. अगर आप local में brew pub की बात करें तो किसका example है, single जो हमने जो select किया है किसके base पे, geographical के base पे. Again, an internet company selling nothing but self-help video to professionals in their 40s would be targeting a single demographically defined market segment. इसका मतलब है एक इंटरनेट कंपनी है जो क्या कर रही है, सिर्फ वीडियोस बना रही है कि अपनी खुद की मदद कैसे की जा सके जब आपकी उम्र क्या है, 40. तो इन्होंने जो 40 चूज किया वो क्या चूज किया, एज के बिहाफ पे. तो आपको डेमोग्राफिक फीचर्स पता होंगे कि डेमोग्राफिक क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर पर्सन के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेस पे हम कोई चीज चूज करते हैं, दैट इज डेमोग्राफिक. फॉर एग्जांपल, माय एज, माय इनकम, माय जेंडर. सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स और वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डेमोग्राफिक. सो इन दिस सिंगल मार्केटिंग we are focusing, so question जो आएगा, we are focusing just on one segment. We are not considering the other segment, we are just focusing on the one segment. That is called single. तो आप यहाँ से कैसे याद करोगे, one है, single है, तो one segment, single marketing. और जो आपको MCQ में question पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, In which type of marketing we are choose this type of marketing on the basis of demographic or geographical. तो जब आप demographic और geographical उन्होंने option दे दिया तो आप select करेंगे single marketing. Hope आपको single marketing समझ आ गई हो. मैं again दोबारा repeat करती हूँ, single marketing मतलब कि मैं सारे मार्केट को कवर नहीं कर रही हूँ, मार्केट को मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चूज कर रही हूँ, सबको मैं चूज
नहीं कर रही, दैट इज सिंगल मार्केटिंग। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन इज निश मार्केटिंग। निश मार्केटिंग अगेन ये सिंगल मार्केटिंग जैसी ही होती है। ये होती है कि जब हम पर्टिकुलर, हमने कहा सिंगल मार्केटिंग क्या होती है, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज करते हैं। यहाँ भी हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज कर रहे हैं, मगर वो पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग होती है जिसमें सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आंसर क्या होगा, निश मार्केटिंग। तो इसमें सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हम इसमें सेगमेंट खुद क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम खुद नीड के बेस पे, डिमांड के बेस पे, प्राइस के बेस पे, प्लेस के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, हम खुद क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर खुद एक सेगमेंट फाइंड आउट करते हैं, ताकि उससे हम, उस पे हम फोकस करें और उससे हम प्रॉफिट्स जनरेट कर सके। पहले इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मार्केट में बहुत सारी जूस बेचने वाली कंपनीज हैं, ठीक है, और जो जूस बना रही हैं, तो वो क्या कर रही हैं कि हर एक बंदे को डिफरेंट टाइप यानी कि जूसेस दे रही हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेटेड जूस दे रही हैं, जिसमें वो बता रही हैं कि हम इस टाइप का जूस यूज करते हैं। अब अलग से अगर हमने मार्केट चूज करनी है, उसके अंदर भी जूसेस के अंदर भी फर्दर जूस, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई कि भाई ये जूसेस बना रहे हैं, फ्रूट्स के जूसेस बना रहे हैं। अब मुझे चूज करना है, क्योंकि कंपटीशन नहीं करना चाहते, या मैं अब ऐसा कंपटीशन जिससे मेरे को प्रॉफिट हो और मेरे पास कॉम्पिटिटर्स कम हो और मुझे प्रॉफिट्स मिले, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो ये जूसेस के मार्केट में बाकी सब ये कर रहे हैं, तो हम ऐसे सेगमेंट को चूज करेंगे जो लोग क्या पीना चाहते हैं, एलोवेरा जूस पीना चाहते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते हो, अब जो फर्म्स हैं, ठीक है, वो जो दूसरे जूसेस नहीं बना रही, वो एलोवेरा जूसेस बना रही हैं, जस्ट कि वो उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मे बी जो लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस टाइप की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस टाइप का सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एक सेगमेंट के अंदर, यानी कि ये था सेगमेंट, इस सेगमेंट में से भी फर्दर इन्होंने एक सेगमेंट को चूज किया, उसी को कहते हैं नीश मार्केटिंग। अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हमारे पास है स्टार वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें वो सबके बाद सब दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को लेके। फिर एक चैनल आया स्टार स्पोर्ट्स, जिसमें वो सारे टाइप के स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं, दैट इज पर्टिकुलर सेगमेंट। मगर स्टार स्पोर्ट्स आपने देखा होगा, तो स्टार क्रिकेट भी देखा होगा, कि सिर्फ उन्होंने स्पोर्ट्स में से फर्दर एक और कैटेगरी बनाई, जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो लोग क्रिकेट के मैचेस को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग से चैनल बनाया, ताकि हम इसको प्रमोट करें और इस पे फोकस करें। तो निश मार्केटिंग क्या करती है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मार्केटिंग। ये क्या करती है, स्पेशलाइज्ड करती है, स्पेसिफाई करती है। तो आपको जो क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में, वो ये आ सकते हैं कि ऐसी कौन सी मार्केटिंग है जो एकदम स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो आपको ये पिक देख के समझ आ गया होगा, तो कि स्पेशलाइज्ड क्या है, क्यों, क्योंकि ये फर्दर जूस में भी, फर्दर एलोवेरा पे फोकस कर रही है, तो ये स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग कौन सी है, तो आपने ऑप्शन चूज करना है निश मार्केटिंग। अगर हम निश मार्केटिंग में भी फर्दर सेगमेंट्स बनाए और स्पेशलाइज्ड करें उसको, तो वो आगे फर्दर किस टाइप से जानी जाएगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, देखते हैं। तो हमने कहा कि निश मार्केटिंग क्या होती है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेगमेंट फॉर द मार्केट, ऑफ द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ सर्विस। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नैनो निश। तो नैनो निश क्या हो गया, कि हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट जरूर सेलेक्ट किया था, अब उस सेगमेंट में से भी एक सेगमेंट चूज करेंगे जो एकदम स्पेशलाइज्ड होगा, सुपर स्पेशलाइज्ड। तो वर्ड जब आएगा सुपर स्पेशलाइज्ड, तब आंसर आपका होगा नैनो निश। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल निश मार्केटिंग हो गई कि हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट चूज किया जो किसको स्पेशलाइज्ड कर रहा है, वो शूज हमने चूज किए। सब निश क्या हो गया, कि हमने कौन से लिए हैं, हमने विमेन के शूज लिए हैं।
माइक्रो निश हो गया कि हमने क्या किए हैं, वुमेन्स के एथलेटिक वाले शूज के ऊपर बात की है। अब हम नैनो निश की बात करते हैं, तो नैनो निश कहता है कि हम वुमेन्स के सिर्फ उन्हीं शूज की बात कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर स्पेशलाइज करेंगे जो रनिंग शूज होंगे। मींस कि हम हर टाइप के शूज नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ कौन से शूज बनाएंगे जो वुमेन्स रनिंग के लिए यूज करती हैं। अब आपने देखा स्पेशलाइज्ड के अंदर भी क्या हुआ, सुपर स्पेशलाइज्ड। तो जब वर्ड होता है सुपर स्पेशलाइज्ड तब हम उसको कहते हैं नैनो निश। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के आगे फर्दर सेगमेंट होता है तो सब निश, आगे सेगमेंट के फर्दर सब निश के आगे होता है तो निश मार्केटिंग। आगे माइक्रो को जब डिवाइड किया जाता है दैट इज नैनो निश। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगेन निश मार्केटिंग जो होती है वो हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड होती है। तो हम स्पेशलाइज्ड किस किस के बेस पे कर सकते हैं, हम प्राइस रेंज के बेस पे कर सकते हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी के बेस पे कर सकते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे कर सकते हैं, इन किसी के भी एक पर्टिकुलर बेस को लेके हम कर सकते हैं। जैसे आपने पिछला एग्जांपल लिया कि हमने शूज का लिया था, शूज के बाद हमने विमेंस का लिया, तो हमने डेमोग्राफिक फैक्टर के बेस पे आगे फर्दर सेगमेंटिंग की थी, तो उसको बोलते हैं निश मार्केटिंग। चलते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट वन इज माइक्रो मार्केट। माइक्रो मार्केटिंग जैसे आप लोगों को पता है वर्ड हम माइक्रो यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए, स्मॉल के लिए। ठीक है, तो जब हम निश मार्केटिंग में भी फर्दर वन टू वन मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रो मार्केटिंग। क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल इसी आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये आ सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी मार्केटिंग होती है जो वन टू वन मार्केटिंग होती है। ठीक है, ऐसी कौन सी मार्केटिंग होती है जो इंडिविजुअल मार्केटिंग होती है, तो आपने ऑप्शन चूज करना है माइक्रो मार्केटिंग। ये जो होती है ये अगेन बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है और ये फोकस करती है कि हमारी जो मार्केट है, ठीक है, वो होमोजीनियस नहीं है। सपोज करो हम मार्केट को डिवाइड करते हैं कुछ फैक्टर्स के बेस के ऊपर, हम सपोज करो हमने पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया एज के बेस के ऊपर, तो एज के अंदर सपोज करो हमने एज ली 18 से लेके 25 तक। अब हम 18 से लेके 25 तक की एज के सब लोगों को हम सेम टाइप का प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकते, 18 वालों की जो नीड है, वांट है, वो अलग होंगी। अगेन 18 में भी गर्ल्स की बॉयज की अलग होगी, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर जो है, यानी कि अगर बॉयज का गर्ल्स का नेचर अलग अलग है तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। तो माइक्रो मार्केटिंग कहती है इट फोकस ऑन इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल सेगमेंट। इफ पर्सन रिक्वायर समथिंग एंड इफ वी इंडिविजुअली कम्युनिकेट देम एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देम individually, not according to that we are going to serve the same product to the same market or same segment, we are providing the individual product to everyone. If my organization is related to the for example clothes, so I am customize the product according to the small girl, according to the teenage girl, according to the adult, according to the female, according to the married, according to the married who have one child, according to the married who have two child, according to the married who have above the age of 40. So individually according to the har ek person ki age ke according, har ek person ke segment ke hisab se jab hum unko individually target karte hain, that is called micro marketing. So इसी को क्या कहते हैं, वन टू वन मार्केटिंग। और इसी को बोला जाता है कंप्लीट सेगमेंटेशन, कंप्लीट मार्केटिंग, क्योंकि आप किसी भी पर्सन को छोड़ नहीं रहे हो, आप हर एक पर्सन को टारगेट कर रहे हो, दैट इज माइक्रो मार्केटिंग। अगेन ये सब पे नहीं, स्मॉल सेगमेंट को जिनकी स्पेसिफाइड नीड है। अगेन जैसे हमने बात की क्लोदिंग की, तो क्लोदिंग में मैं सबको चूज करूंगी, ठीक है, सबको नहीं। सो हियर नेक्स्ट वन इज नैनो मार्केटिंग। अगेन नैनो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, स्मॉल के लिए। तो आपने यहाँ आपने ट्रिक कैसे यूज करनी है कि आपको याद कैसे करना है,
So you associate the word nano to the small. It means the small businesses who specified the segment and provide the specialized product to their customers. That type of marketing is called nano marketing. तो आपने choose कौन सा करना है, ये कौन सी marketing कर रहे हैं, कौन marketing कर रहे हैं, ये large business organization marketing नहीं करते हैं, कौन से business करते हैं, जिनका small business है. For example, अगर कोई handicrafts या handloom में कर रहा है, तो उनका business क्या है, small. मगर वो फिर further specialized कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ shawls के shawls से related handicraft कर रहे हैं, तो उन्होंने further specialized की. So small business है, further specialization है, target कर रहे हैं और इनकी जो market strategy होती है वो क्या होती है, razor sharp marketing. तो ये word बहुत ज़्यादा questions में आता है कि razor sharp marketing जो होती है वो कौन से टाइप की मार्केटिंग में होती है, तो ये होती है नैनो मार्केटिंग के अंदर, कि हम छोटे से छोटा सेगमेंट कवर कर रहे हैं, मगर वो सेगमेंट कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो. ठीक है, हम वो सेगमेंट ना करें जिसके लिए सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो सब टाइप की ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, नहीं, हम उसको करेंगे, एक को करेंगे, मगर एक का काम ऐसा प्रोवाइड करेंगे जो एकदम स्पेशलाइज्ड हो और जो मेरे से अच्छा कोई ना कर सके, ताकि उसका प्रॉफिट सिर्फ मुझे हो. सो दैट इज नैनो मार्केटिंग मींस फॉर द स्मॉल बिजनेसेस. मार्केटिंग स्ट्रेटजी एकदम रेजर शार्प मींस दे आर टोटली फोकस्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्राइस, एट व्हाट प्लेस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड इट, एट व्हाट प्रमोशन नीड through which they are going to communicate with their target customer. So that is nano marketing. So here we are. Next one is local marketing. Local marketing again, ये हुआ geographical के base पे, location के base पे. When we are going to target or attract or stimulate the local audience, that is called the local marketing. For example, कि आपने देखा होगा there are several movies that is going to dub in different languages. ठीक है, for example लिया है सरदार जी movie, it is originally released in Punjabi language, but later on it is also dubbed in Hindi language due to the regional basis. Or sometime you are like Spider-Man movie. Spider-Man movie क्या हुई थी, English में भी dub हुई, Hindi में भी dub हुई, even Bhojpuri में भी dub हुई. तो जब उन्होंने उसको Bhojpuri में dub किया, तो वो उन्होंने किसके लिए किया, कि अपनी local audience को वो क्या कर सके, attract कर सके. तो उसी को क्या बोलते हैं हम, local marketing. जब हम अपनी local customers को, local audience को हम target करते हैं, तो इसे कहते हैं local marketing. So अब हमने सारी टाइप की मार्केटिंग की, अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां हम देखेंगे एमसीक्यू कि क्या आप अब सही आंसर चूज कर पाते हैं या नहीं, जो हमने टाइप की मार्केटिंग की. तो फर्स्ट क्वेश्चन था, अनदर वर्ड फॉर कंप्लीट सेगमेंटेशन, बताओ. कंप्लीट यानी कि हर एक पर्सन को उन्होंने सेगमेंट माना है, तो ऐसी मार्केटिंग कौन सी मार्केटिंग थी, इंडिविजुअल मार्केटिंग, वन टू वन मार्केटिंग, और वो कौन से हेड के अंदर कवर हो रही है, माइक्रो मार्केटिंग. तो आंसर यहाँ क्या होगा, माइक्रो मार्केटिंग. अगला चूज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ कस्टमर ट्रीट्स ईच सिंगल कस्टमर एज सेपरेट सेगमेंट, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, हर एक कस्टमर को कैसे ट्रीट कर रही है, सिंगल. सिंगल की बात कहाँ हुई थी, सिंगल मार्केटिंग के अंदर नहीं, क्योंकि वहां सिंगल सेगमेंट था, सिंगल की बात हुई थी वन टू वन मार्केटिंग के अंदर, दैट इज अगेन माइक्रो मार्केटिंग. तो आंसर क्या होगा, माइक्रो मार्केटिंग. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा इसको, और यह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे. और प्लीज अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं इससे और ज्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज बनाऊँ. थैंक यू वेरी मच.